दशहरा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है दशहरा, सो हैप्पी दशहरा सबको। और आज मैंने पहले अपने बाल चेक किए कि ये पिछले व्लॉग की तरह भूत तो नहीं लग रहे हैं, तो और शिमला का मौसम भी ठीक हो गया है। तो पहले आपको मौसम दिखाते हैं कि मौसम हो गया बहुत अच्छा हो गया। आप ये हमारी अनु दीदी और भाग गई और ये हो गया मौसम बहुत अच्छा। अब आज बहुत अच्छी धूप आई है, मेरी विंडो से ये व्यू है। और मैं यहाँ सोई थी और देखो मैंने अभी तक बिस्तर भी नहीं उठाया है, इधर किताबें पड़ी हैं, तो ये ऐसे ही रहता है। तो करते हैं अब अपना दिन शुरू। सुबह तो उठ के पहले पानी पीती हूँ, पानी पीते हैं, पानी गर्म करते हैं। तो पानी भी हो चुका है खत्म। और तो आज की बात करते हैं, आज होगा दशहरा। वैसे तो समर हिल में भी सेलिब्रेट करते हैं, अब मुझे नहीं पता, कोविड के बाद शायद यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया था, तो शायद आज होगा वहाँ पे दशहरा। तो अगर होता है तो शाम को वहाँ चलेंगे और दशहरा भी देखेंगे। राहुल यार वॉल्यूम कम कर दे थोड़े, तेरी बहन ब्लॉगर है यार, क्या है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और ये है नूडल टाइम। मैं वैसे खाती नहीं थी मैगी वगैरह, पर आजकल कुछ ज्यादा खा रही हूँ। तो ये बन रही है मैगी, ये होगी नूडल्स बनके तैयार, अब खाएंगे इनको। पिचकू लगाओ साथ में, पिचकू। पहले मैं नूडल्स नहीं खाती थी, मैगी ये कुछ भी नहीं खाती थी, मतलब पसंद नहीं करती थी ज्यादा, पर आजकल मैं काफी खाने लग गई हूँ। तो ये लंच हो रहा है। अभी बज गया 5 और शाम के 5 बजे के बाद अब हम जाएंगे समर हिल, क्योंकि वहाँ पे शाम को दशहरा होता है। वहाँ पे ना पुतले बनाए होते हैं मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के, तो उनका दहन होता है, तो वो देखने जाएंगे। अभी मेरे साथ फ्रेंड्स होंगे, अर्चु होगी, समीक्षा होगी, तो चलते अब। अभी यहाँ सांगटी में तो सनसेट हो चुका है, वहाँ देखो, और थोड़ी थोड़ी धूप रहती है ऊपर को। खुद भी काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, जहाँ से मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे दशहरा सेलिब्रेट होता है देलठ में, वहाँ पे हर साल दशहरा सेलिब्रेट होता है। और पर काफ़ी टाइम से गई नहीं थी वहाँ पे भी, पर आज जा रहे हैं दशहरा देखने। तो अभी मैं पहुँच गई अर्चु गुरुओं के पास, और वो बंदी निकल ही नहीं रही है कब से, वो यहाँ ऊपर है और आ ही नहीं रही नीचे, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ तब से। 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ रुके हुए। आंटी भी कर रहे हैं ऊपर से हाय, आंटी है यहाँ पे अर्चु के मम्मा। और अब आ रही है, बड़ी मुश्किल से निकल रही। आज तुम कैमरा पे हो और इस लड़की ने बहुत देर कर दी है, अब इनसे बात नहीं करेंगे। इस औरत ने, देख रहे हो पीछे से आ रही है औरत, इसने इतना इतनी देर की, इसने मैं 15 मिनट हो गए मेरे को रुकते। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दशहरा देखने। कितने अब बोलो क्या बोल रहे थे? सिंगर भी आए? नहीं मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं बहुत लेट उठती हूँ, मतलब ये आजकल बहुत ज्यादा लेट उठ रही है, 10-11 घंटे की नींद, 10-11 घंटे, और फिर दिन में भी 3-4। नहीं मैं कल सोई थी 3 बजे रात को, सुबह 9 बजे ही उठी मैं, भी कोई जल्दी नहीं उठी। नहीं तो 3-4 बजे तो 9 बजे तो ठीक है ना, 6 घंटे मैक्सिमम मेरा तो काहे काहे इतना सो रही है? हमें नहीं पता, हमें बहुत नींद आ रही है, हम दिन में भी 4-4 घंटे बस सोए रहते हैं, खाते हैं सोते हैं। ये बीमार थी ना कुछ दिन पहले, हाँ शायद हो सकता है उसकी वजह से रिकवरी हो रही तेरी बॉडी स्लीप से पूरी। तो अर्चु ले रही है अभी जलेबी, फिर जाके खाएंगे। हम लेके आई हैं जलेबी, अब हम समीक्षा को फोन करेंगे और उसको बोलेंगे कि हम आ रहे हैं। और नीचे ना माइक लग गया है ग्राउंड में, जहाँ पे हम दशहरे के लिए जा रहे हैं ना, तो बहुत क्राउड होगा, बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऑलरेडी, तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे समीक्षा का पीजी है, हम वहाँ से जा रहे हैं। जय हिंद। आपने सबको हैप्पी दशहरा नहीं बोला होगा? हैप्पी दशहरा गाइस, गाइस गाइस, ये हैं गाइस वाले गाइस। हैप्पी दशहरा। अभी जाएंगे ना ग्राउंड में, फिर देखेंगे क्या होता है। ये पहुँचे हम समीक्षा के पीजी के पास, यहाँ रहती है लोकेशन हम आपको बता रहे हैं, ये है रेलवे स्टेशन, ये हम हैं, ये उसका पीजी है। गाइस दूर से ही हेलो करती है आप। ये कौन लाया? ये खुद ही खा रही है यार।
पुलिस वाले अंकल ने बोला यहाँ से नहीं जा सकते, बंद किया है। इतनी बड़ी जलेबी निकल गई रास्ता। क्यों जलेबी खा लो फ्रेंड, ने पुलिस वाले अंकल तभी तो है परे परे से भेज रहे सबको। या फिर टीचर वहाँ से कौन गए है मुन्ना, वो नीचे आ रहे थे ना पहले, उन्होंने मुझे पूछा कि तो पुलिस वाले अंकल क्यों बोल रहे यहाँ से नहीं जाओ, हमारे फ्रेंड है बोल रहे वहाँ। चलो फिर मेरे को लगा यहाँ से नहीं जाने दे रहे। अरे तो हमें दुकान के रूम जाना है, यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ यहाँ से नीचे ग्राउंड को जाना था, यहाँ से भी नहीं आया। हमसे पहले जो लड़कियाँ गई उनको तो नहीं रोका, अरे हमें जाने नहीं दिया वहाँ से, अब हमें वापस घूम के जाना पड़ेगा। कहाँ यहाँ से रास्ता है, हम पहुँच गए समरिल ग्राउंड और ये बने हैं यहाँ पे पुतले। वो पीछे घूम रही है, अच्छू अगर पापा कॉलिंग, पापा का फोन आ रहा है पापा, अगर मेरी जूठ बहन कुंभ के मेले में खो गई तो इसे कैसे। ये परे उड़ नहीं रहा है वापस। रात हो गई है, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, रात होगी रात तो अपने यहाँ पे सारी जगह धुआं ही धुआं। सारे अपने फोन तैयार रख रहे कोई भी तो ये दो पुतले तो जल गए लेकिन एक पुतला ये जला ही नहीं, लग गई इसको आग ऊपर, अब जलेगा ये भी। दो पुतले पहले जल गए और ये जल ही नहीं रहा था ये पुतले सिर्फ रावण ही जल अच्छे से ना।
ये भी नहीं जला अच्छे से, ये भी अभी जल नहीं रहा है। लग रहा है ये रिवाइव कर रहा है, अब जाके जला ये वाला पूरा। ये तो गिर गया, ये भी गिर गया, ये वाला पुतला तो पूरा ही गिर गया है और इसका मुंह जल रहा है सीधे जाके। ये जल गए सारे पुतले, एक दो तीन, बुड्ढे की मशीन। तो ये था दशहरा, मैं रूम आ गई हूँ और मैंने डिनर भी कर लिया है। अब मैं एडिटिंग करूंगी व्लॉग की और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यांग।